24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट। 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं। तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को, हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना, जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी एक वील पहले जी, ऑफिसर सुने होंगे, नहीं सुने सकते हैं। आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है। आई हैव इशूड सर्टेन डायरेक्शंस, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट आई वुड बी एबल टू सक्सीड, बट यस, इफ माय लॉर्ड हैज सीन द जुवेनाइल्स विद द एडल्ट्स इन द जेल, माय लॉर्ड कैन नॉट इमेजिन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जुवेनाइल्स। सर कैन यू थिंक ऑफ, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं, जेल के अंदर देयर इज अ जुवेनाइल वार्ड, हाउ देयर कैन बी अ जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ, कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना, विदाउट सैंक्शन। तो सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा, तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ दैट अ जुवेनाइल वार्ड इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस, इट कैन बी ओनली केप्ट इन रिमांड होम्स। तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा। 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गए, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है, एक प्रश्न और उठेगा कि जब ये वापस, एक प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं, हम तो प्रोड्यूस करते रहते। और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा, उसको सोसाइटी में असिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी। पढ़िए, बहुत बहुत सी किताबें हैं इसको, रिसर्च। व्हेन द प्रिजनर्स कम होम, व्हेन द प्रिजनर्स कम होम एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देयर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें है जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, ये सारे होम सेक्रेटरी एंड अदर सदस्य जो हैं, इनको इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या? किन्हीं एक को हुजूर ने आज बुलाया था? सब लोग बड़े ही हैं, मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना हैं, सब दस्तखत ही करने वाले हैं, आईजी प्रिजन हैं, और सबको अपने परवाह है, सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो आदमी रिलीज हो गया होता। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका पैराग्राफ 11 हुजूर देख लिया जाएगा जरा, उसमें देखिए जजमेंट, जजमेंट में जरूरत पड़ती है केस के, पहले तो फैक्ट्स पर अपना माइंड अप्लाई कीजिए ना। जी, वी आर ऑल, यू आर लॉयर, आई एम जज, एवरीबॉडी कैन अप्लाई हिज माइंड, इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है कभी। और दूसरा बात, हम हजूर एक बात ओवरऑल कह रहे हैं हजूर,
कि आजकल कोई भी पिटीशन में सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन इतना पिटीशन है, किसी में ना तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लगाते हैं लोग, ना तो अपीलेट कोर्ट का लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि एलिगेशन क्या है, मैनर ऑफ जो ट्रायल इस साल क्या है? हुआ जेल में जो आदमी रह रहा है उसके परिवार को पता तक नहीं रहता है कि लेकिन कमीशन के केस में हजूर हम पहले हर एक जेल में हजूर जजमेंट लगाया जाता था अनलेस एंड अनटिल देयर इज जजमेंट मिलॉर्ड द माइनर ऑफ क्राइम मिलॉर्ड एंड माइनर बात नहीं सुन रहे हैं जी हजूर आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है जी हजूर लेकिन मेरा अनुभव जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है हजूर एक जेल में बताए मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली महिलाएं मिली जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालात में। हुजूर के यहाँ एक प्रिगनर है जो भूटन पासवान आपके पास आए तो कोई ना पुरस्कार होगा ना हुजूर आप हुजूर प्रभु जी के लिए मुझे सम्मान है। रिमिशन बोर्ड में अगर जजमेंट नहीं रहता है कन्विक्शन का तो ये दफा कैसे लिख देते हैं कि 376 में है 302 में है। जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ हजूर नहीं है रिपोर्ट जाता है जिसमें कि दफा रहता है और एडमिशन बोर्ड के सामने क्या जाता है योर क्लब एंड किरानी जार योर क्लब एंड किरानी जार रिकॉर्डिंग ऑल दीज थिंग्स एंड योर